टॉप 5 बाइक्स अंडर 1 लाख इन 2024। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग? आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ टॉप 5 बाइक्स अंडर 1 लाख इन 2024। तो अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा रहेगा तो उसमें मैंने टॉप 10 बाइक्स बताया था, और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट बाइक्स का। मींस कि जो बाइक बेस्ट में से भी बेस्ट है उनको मैंने इस वीडियो के अंदर इंक्लूड किया है, और साथ में सब बाइक्स का लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस रेंज के साथ साथ सबका रियल वर्ल्ड माइलेज भी शेयर किया है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेट नहीं करते एंड स्टार्ट करते अपना वीडियो। तो नंबर 5 पर है TVS Star City Plus। ये एक कंप्यूटर बाइक है, और ये बाइक मैं उनको रिकमेंड करूँगा जिनको एक 110cc वाली बाइक चाहिए जिसका लुक अच्छा हो, जो बहुत ही अच्छा माइलेज भी डिलीवर करती हो, और साथ में जिसको लेने के बाद मेंटेन करना और जिसकी सीटिंग पोजीशन कंफर्टेबल हो, तो ये बाइक मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा। ये बाइक के अंदर आप लोगों को 3 मॉडल्स मिल जाएंगे, और इसके अंदर आप लोगों को 8 कलर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। ये बाइक में आप लोगों को कुछ मॉडर्न फीचर्स भी मिल जाएंगे, और इसका वेट है 115 kg का, और आपकी सेफ्टी के लिए आपको ये बाइक के अंदर SBT ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, जो सेम है ऑलमोस्ट लाइक CBS, बस TVS ने इसका नाम दिया है SBT ब्रेकिंग सिस्टम। और वैसे इसके अंदर आप लोगों को ड्रम ब्रेक एंड डिस्क ब्रेक दोनों का भी ऑप्शन मिल जाएगा। स्टार सिटी प्लस में आप लोगों को 110cc का एयर कूल इंजन मिल जाएगा, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 8.08 BHP का एंड 8.7 Nm स्ट्रोक जनरेट करता है। ये बाइक के अंदर 4 गियर्स है, और ये इंजन माइलेज डिलीवर करता है 70 से लेके 72 kmpl के बीच में। अगर आप लोग इसको थोड़ा सा सही तरीके से चलाओ तो शायद से आप लोगों को 75 kmpl तक का माइलेज भी आराम से मिल सकता है। स्टार सिटी प्लस का लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस रेंज है मेरे यहाँ पर मीन्स की थाने महाराष्ट्र में 89,000 से लेकर 96,000 इसके टॉप मॉडल का। इसकी सिटिंग पोजीशन कंफर्टेबल है राइडर एंड पिलियन दोनों के लिए भी, और ये बाइक को आप लोग सिटी ट्रैफिक में इजीली चला सकते हो। बाकी सब चीजें तो सही है, बट सिर्फ एक चीज और बेटर होनी चाहिए थी, वो है इसके इंजन की रिफाइनमेंट। अगर वो थोड़ी सी और बेटर होती तो बहुत ही अच्छा होता, बट इट इज व्हाट इट इज। ऑलमोस्ट सेम प्राइस रेंज में आप लोगों को TVS की 2 और बाइक्स मिल जाएंगी, जिनके अंदर आप लोगों को इंजन तो सेम ही मिल जाएगा बट उनका लुक थोड़ा सा अलग है। तो आप लोग अपने बजट के हिसाब से दोनों में से किसी भी एक बाइक के लिए जा सकते हो, जिनका नाम है TVS स्पोर्ट्स या फिर TVS रेडियोन। तो चलिए अभी बात करते हैं नेक्स्ट बाइक के बारे में। तो नंबर 4 पर है हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक। ये एक माइलेज बाइक है, और ये बाइक मैं उनको रिकमेंड करूंगा जिनको 1 लाख के अंदर एक ऐसी बाइक चाहिए जिसका माइलेज बहुत ही अच्छा हो, जिसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी हो, और जिसके अंदर आप लोगों को सारे लेटेस्ट मॉडर्न फीचर्स मिलने चाहिए। तो ये बाइक मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा। स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक का लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस रेंज है मेरे यहाँ पर 95,000 से लेकर 98,000 के बीच में। इसके अंदर आप लोगों को ओनली एक ही मॉडल मिलेगा, और टोटल 4 कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे। और अगर आप लोगों का बजट थोड़ा सा कम है तो आप लोग नॉर्मल स्प्लेंडर के लिए भी जा सकते हो, जिसका लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस रेंज है मेरे यहाँ पर 90,000 से लेकर 94,000 के बीच में। हीरो स्प्लेंडर प्लस बहुत टाइम से मार्केट में है, तो जिसके वजह से बहुत सारे लोग इस पर आराम से ट्रस्ट करते हैं, एंड डेफिनेटली आप लोग भी इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को एक बेहतरीन 100cc का इंजन मिल जाएगा, और ये इंजन लॉन्ग लास्टिंग भी है। लाइक कुछ लोगों के पास ये बाइक तो 20 या 25 साल से भी ज़्यादा से है, सो डेफिनेटली आप लोग ये बाइक के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। एंड इसके अंदर आप लोगों को 97.2cc का एयर कूल इंजन मिल जाएगा, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 7.9 BHP का एंड 8.05 Nm स्ट्रोक जनरेट करता है। ये बाइक के अंदर आप लोगों को 4 गियर्स मिल जाएंगे, और इसका माइलेज है 65 से लेके 70 kmpl के बीच में, विच इज रियली रियली गुड। और लेने के बाद ये बाइक को मेंटेन करना भी बहुत ही सस्ता है, साथ में इसके स्पेयर पार्ट्स भी बहुत ही सस्ते हैं। आपकी सेफ्टी के लिए आपको ये बाइक के अंदर
ABS ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी मिल जाएगी और साथ में बाइक का वेट है 112 केजीज का। उतना ही नहीं, ये बाइक राइडर एंड पिलियन दोनों के लिए भी कंफर्टेबल है और अगर आप लोग इसके ऊपर बैठकर ज्यादा टाइम भी चलाओगे तभी भी आप लोगों को कोई भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसकी सिटिंग पोजीशन एकदम से कंफर्टेबल है और सीट का स्पेस भी बहुत ही अच्छा है, जिसके वजह से ये बाइक 1 लाख के बजट के अंदर सबसे बेस्ट डील हो जाती है। यस, इसके अंदर आप लोगों को डिस्क ब्रेक वाला ऑप्शन नहीं मिलता है, वही एक छोटी सी प्रॉब्लम है, बट अगर उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी ये बाइक आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है। तो चलिए अभी बात करते हैं नेक्स्ट बाइक के बारे में। तो नंबर 3 पर है होंडा लीवो। ये एक कम्यूटर बाइक है और ये बाइक मैं उनको रिकमेंड करूंगा जिनको एक होंडा की बाइक चाहिए या फिर जिनको होंडा के इंजन वाली बाइक चाहिए या फिर जिनको एक स्मूथ इंजन वाली बाइक चाहिए जो कि लॉन्ग टाइम के लिए सबसे बेस्ट चॉइस हो और अगर आप लोगों को जो है उससे माइलेज भी अच्छा चाहिए तो ये बाइक मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा। वैसे ये बाइक के अंदर आप लोगों को 2 मॉडल्स मिल जाएंगे अभी के लिए और इसके अंदर टोटल 4 कलर ऑप्शंस भी अवेलेबल है। कुछ मॉडर्न फीचर्स आप लोगों को इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे और ये बाइक दिखने में भी बहुत ही अच्छी लगती है, साथ में इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। यस, ये बात में कोई भी शक नहीं है कि एक 110cc की बाइक के लिए ये बाइक बहुत ही कॉस्टली है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसका लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस रेंज है मेरे यहाँ पर 95,000 से लेकर 1 लाख के बीच में। वही सेम प्राइस रेंज में आप लोगों को जो है वो होंडा शाइन भी मिल जाती है। सो अगेन ये क्वेश्चन आ जाता है कि होंडा लीवो के लिए जाए या फिर शाइन के लिए जाए, बट होंडा शाइन में आप लोगों को फीचर्स बहुत ही कम मिलेंगे कंपेयर टू होंडा लीवो। तो अगर आप लोगों को अच्छे फीचर्स चाहिए, अच्छा इंजन चाहिए, अच्छी बिल्ड क्वालिटी चाहिए, अच्छा सिटिंग कंफर्ट चाहिए तो ये बाइक मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा। वैसे लेने के बाद इसको मेंटेन करना भी सस्ता है और उसके स्पेयर पार्ट्स भी ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है। इंजन इसका स्मूथ है एंड लो एंड मिड रेंज में बहुत ही अच्छा पुल देता है। एंड लाइक होंडा लीवो में आप लोगों को 109.51cc का एयर कूल इंजन मिल जाएगा जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 8.67 bhp का एंड 9.3 Nm टॉर्क जनरेट करता है। ये बाइक के अंदर 4 गियर्स है और ये इंजन माइलेज डिलीवर करता है 55 से लेके 60 kmpl के बीच में, बट अगर आप लोग इसको थोड़ा सा सही से चलाओ तो आप लोगों को 65 kmpl तक का माइलेज भी आराम से मिल सकता है। ये बाइक में आप लोगों को ड्रम ब्रेक एंड डिस्क ब्रेक दोनों का भी ऑप्शन मिल जाएगा और साथ में आपकी सेफ्टी के लिए होंडा की CBS ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगी। इसके सस्पेंशन का सेटअप बहुत ही अच्छा है और ये बाइक लाइट वेट होने के वजह से इसको हैंडल करना बहुत ही ईजी है, प्लस इसका वेट है 113 kgs का। तो चलिए अभी बात करते हैं नेक्स्ट बाइक के बारे में। तो नंबर 2 पर है बजाज प्लैटिना 110। ये एक माइलेज बाइक है और ये बाइक मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा अगर आप लोगों का बजट 1 लाख तक का है, जिसमें आप लोगों को सबसे बेस्ट माइलेज देने वाली बाइक चाहिए। सो ये बाइक मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा। प्लैटिना 110 में आपको अभी के लिए 3 मॉडल्स मिल जाएंगे, जिसमें से पहला है ड्रम ब्रेक वाला मॉडल, दूसरा है डिस्क ब्रेक वाला मॉडल और तीसरा है डिस्क ब्रेक विथ ABS वाला मॉडल जो कि सबसे कॉस्टली है और इसके अंदर आप लोगों को 9 कलर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। बाइक दिखने में नॉर्मल लगती है और आप लोग अपने बजट के हिसाब से किसी भी एक मॉडल के लिए जा सकते हो, बट मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा 110 ABS वाला मॉडल। यस, आपको इसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, बट 110cc की बाइक में आप लोगों को बेस्ट सेफ्टी मिल जाएगी लाइक ABS होने के वजह से, उसके अलावा बेस्ट माइलेज मिल जाएगा, उसके अलावा ये बाइक कंफर्टेबल है जिससे अगर आप लोग खड्डे पर भी चलाओगे तो आप लोगों को एक कंफर्टेबल राइड मिलेगी और साथ में इसके टॉप मॉडल में आप लोगों को कुछ अच्छे मॉडर्न फीचर्स भी मिल जाएंगे। प्लैटिना 110 में आपको 115.45cc का एयर कूल इंजन मिल जाएगा जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 8.44 bhp का एंड 9.81 Nm टॉर्क जनरेट करता है और ये बाइक में आप लोगों को 5 गियर्स मिल जाएंगे, जिसके वजह से जब आप ये बाइक को हाईवे पर चलाओगे तभी आप लोगों को बहुत ही अच्छी राइड क्वालिटी भी मिलेगी और जिसके वजह से ये बाइक का माइलेज भी बहुत ही अच्छा बढ़ जाता है लाइक 75 से
लेके 80 km/h के बीच में। वैसे प्लैटिना के अंदर आप लोगों को एक और मॉडल मिल जाएगा जिसके अंदर माइलेज आप लोगों को और भी अच्छा मिलेगा, लाइक ऑलमोस्ट 90 km/h तक का, और जिसके अंदर आप लोगों को 100cc का इंजन मिल जाएगा। प्लैटिना 100 का प्राइस रेंज इससे थोड़ा सा कम है, तो अगर आप लोगों का बजट बहुत ही कम है बट अगर आप लोगों को सबसे ज़्यादा चाहिए अच्छा माइलेज, तो आप लोग प्लैटिना 100 के लिए जा सकते हो। और प्लैटिना 110 का लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस रेंज है मेरे यहाँ पर 83,000 से लेकर 103,000 इसके टॉप मॉडल का, जिसके अंदर आप लोगों को ABS मिल जाएगा। और सेम प्राइस रेंज में आप लोगों को और दो बाइक्स मिल जाएंगी 1,00,000 के बजट के अंदर, जिनका नाम है CT125X, जिसका लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस रेंज है मेरे यहाँ पर 94,000 से लेकर 1,00,000 इसके टॉप मॉडल का। सो अगर आप लोगों को ज्यादा पावर चाहिए तो मैं आप लोगों को CT125X रिकमेंड करूंगा। और अभी के लिए पल्सर 125 का ओनली एक ही मॉडल है जो 1,00,000 के ऑन रोड प्राइस रेंज के अंदर आ जाता है। लाइक पल्सर 125 का लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस रेंज है मेरे यहाँ पर 99,000 से लेकर 1,20,000 इसके टॉप मॉडल का। मेरे हिसाब से प्लैटिना 110 एक बेस्ट चॉइस है अगर आप लोगों को सेफ्टी चाहिए अच्छी, अगर आप लोगों को एक कंफर्टेबल राइड वाली बाइक चाहिए, अगर आप लोगों को कुछ मॉडर्न अच्छे फीचर्स चाहिए, और अगर आप लोगों को अच्छा माइलेज भी चाहिए, तो ये बाइक मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा। तो चलिए अभी फाइनली बात करते हैं नंबर 1 के बाइक के बारे में। तो नंबर 1 पर है होंडा शाइन 125। ये एक बेस्ट कम्यूटर बाइक है एक 125cc की कैटेगरी के अंदर, और अपने इस वीडियो में भी सबसे बेस्ट बाइक है। अगर आप लोगों का बजट 1,00,000 तक का ऑन रोड प्राइस का है और आप लोगों को एक बेस्ट बाइक चाहिए वो भी लॉन्ग टाइम के लिए, सो मैं आप लोगों को ये बाइक रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ये बाइक की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। ये बाइक के अंदर आप लोगों को बहुत ही अच्छा इंजन मिल जाएगा, और उतना ही नहीं ये बाइक का राइडिंग कंफर्ट भी बहुत ही अच्छा है, जिसके वजह से ये बाइक मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा। अभी के लिए होंडा शाइन में आप लोगों को टोटल 2 मॉडल्स मिल जाएंगे, पहला है ड्रम ब्रेक वाला मॉडल और दूसरा है डिस्क ब्रेक वाला मॉडल। आप लोग अपने हिसाब से किसी भी एक मॉडल के लिए जा सकते हो, जिनका लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस रेंज है मेरे यहाँ पर 97,000 से लेकर 101,000 इसके टॉप मॉडल का, जिसके अंदर आप लोगों को डिस्क ब्रेक मिल जाता है। वैसे सेम इंजन के साथ आप लोगों को होंडा SP125 भी मिलेगी, बट उसका प्राइस रेंज थोड़ा सा हाई है, तो स्टिल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप लोगों को अच्छे फीचर्स चाहिए तो आप लोग SP125 के लिए जा सकते हो, और अगर आप लोगों को सेम इंजन के साथ नॉर्मल लुक वाली बाइक चाहिए तो आप लोग होंडा शाइन के लिए जा सकते हो। होंडा शाइन में आप लोगों को 125cc का बटर स्मूथ इंजन मिल जाएगा, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 10.59 bhp का एंड 11 Nm टॉर्क जनरेट करता है। ये बाइक के अंदर 5 गियर्स है, और ये इंजन माइलेज डिलीवर करता है 60 से लेके 65 km/h के बीच में। आपकी सेफ्टी के लिए आपको ये बाइक के अंदर होंडा की CBS ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगी, और ये बाइक का वेट है 114 kg का। प्लस ये बाइक को सिटी में चलाने के लिए और इसको हैंडल करना बहुत ही ईजी है। यस, इसमें कोई बात का शक नहीं है कि होंडा शाइन में आप लोगों को फीचर्स बहुत ही कम मिलते हैं, बट इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, और इसके अंदर आप लोगों को बेस्ट इन क्लास इंजन भी मिल जाता है, और वो भी सबका सब अफोर्डेबल प्राइस रेंज के अंदर, तो जिसके वजह से ये बाइक एक बेस्ट चॉइस बन जाती है। वैसे अगर आप लोगों का बजट 1,00,000 तक का ऑन रोड का है, तो उसमें आप लोगों को एक और बाइक मिल जाती है जो जस्ट रिसेंटली इंडियन मार्केट में लॉन्च हुई है, जिसका नाम है होंडा शाइन 100, और जिसका लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस रेंज है मेरे यहाँ पर 78,000 से लेकर 80,000 के बीच में। तो अगेन, अगर आप लोगों को ओनली 100cc के इंजन वाली बाइक चाहिए जिसका बहुत ही अच्छा माइलेज हो, तो आप लोग होंडा शाइन 100 के लिए भी जा सकते हो। और अगर आप लोगों को जो है वो ज़्यादा करके सिटी में और हाईवे पर चलानी है, तो मैं आप लोगों को होंडा शाइन 125 रिकमेंड करूँगा। सो गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट है किसी भी बाइक से रिगार्डिंग, तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड कांग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू बाइक।